मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम बरखेड़ा कुर्मी में मंगलवार रात कुछ शरारती तत्वों ने बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त कर दिया। रैली के दौरान अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के आरोप में 5 लोगों के खिलाफ इछावर पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है। एएसपी गीतेश गर्ग ने कहा कि मनोज मालवी की शिकायत पर एक प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिन्होंने पुलिस को बताया कि यह घटना एक जुलूस के दौरान हुई थी। मालवी प्रतिमा के पास खड़े थे जब रैली में भाग ले रहे 5 लोगों ने कथित तौर पर मूर्ति पर तोड़फोड़ की। यह दावा किया जा रहा है कि जुलूस में शामिल 5 आरोपियों अजय राठौर, शेरू वर्मा, सुक्का वर्मा, रवि माली और कुलदीप वर्मा ने पहले प्रतिमा को नुकसान पहुंचाया और जब मनोज ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो उन्हें कथित तौर पर पीटा गया और जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। शिकायतकर्ता ने पुलिस को बताया कि 5 लोगों ने जाति सूचक टिप्पणी की। पुलिस ने IPC की धारा 294, 323, 506, 427, 295A और STSC अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। मेरा नाम कपिल मालवी है और हम सब लोग बरखड़ा कुर्मी गांव से आए हुए हैं। इछावर थाने में FIR दर्ज कराई गई है कि यहाँ कल रात को कुछ असामाजिक तत्व अजय राठौर के द्वारा बुलाए हुए गुंडों के द्वारा गांव में लकड़ी डंडे लेके इन्होंने परेड निकाली थी DJ के साथ में, जिसमें जाति सूचक गालियाँ भी दी गई। भलई चमार की गालियों से इन लोगों ने संबोधित भी किया और कुछ लोगों ने बाबा साहब की मूर्तियों पर पत्थर वगैरह भी मारे, जिसमें मूर्ति क्षतिग्रस्त हुई है और बाबा साहब के झंडे भी तोड़े गए हुए हैं। और गांव में इन लोगों ने हिंसा भड़काने की कोशिश की है। इस मैटर में हम लोगों ने सभी गांव ग्रामीण वासियों ने सबने मिलकर इछावर थाने में ज्ञापन दिया हुआ है या FIR दर्ज करवाई हुई है। अगर यहां अगर कार्रवाई नहीं होती है तो सभी साथी तैयार रहें बड़े आंदोलन की तैयारी में। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मामला है पूरा ये थाना इछावर के अंतर्गत एक ग्राम आता है बड़खरापुर में, जिसमें कल रात को एक चल समारोह निकल रहा था जिसमें कुछ असामाजिक तत्व द्वारा मारपीट की गई, जिस पर एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई की गई और 5 लोगों को आरोपी बनाया गया। साथ ही साथ उनका कहना था कि अंबेडकर जी की मूर्ति के भी क्षतिग्रस्त की गई है, जिस पर संगत धाराओं में मामला पंजीबद्ध किया गया है, अन्य कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से STSC विरोधी गतिविधियों में तेजी आई है। इस साल 2023 में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में सरकार किसी भी तरह दलित एवं आदिवासियों का गुस्सा मोल नहीं लेना चाहती। दोनों समुदाय मध्य प्रदेश में भारी तादाद में वोट को प्रभावित करते हैं। ऐसे में सीधी कांड और इस तरह की घटनाएं सामने आने के बाद यह एक और मामला सामने आया है जिसमें अम्बेडकर प्रतिमा तोड़ी गई है। यूट्यूब पर जाएं और टाइप करें TRIBUNEHIND.com और फिर TribuneHindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।